बिहार और विशेष रूप से दरभंगा मधुबनी के इलाके में बढ़ते आपराधिक घटनाओं को लेकर जन अधिकार पार्टी की जिला इकाई ने शनिवार को कड़ा विरोध जताया। शहर के आयकर चौराहे पर सैकड़ों की संख्या में पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पुतला दहन करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस पूरे प्रदर्शन के दौरान केशव चौधरी हत्याकांड और राहुल झा हत्याकांड का मुद्दा सबसे अधिक जोर से उठाया गया। जब सपने देखने ही हैं, तो बड़े सपने देखो, क्योंकि आपके सपनों को साकार करेंगे क्वांटम एडुकेयर। CBSE, ICSE, BSEB फॉर क्लास 7th टू क्लास 12th, एन इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल एंड इंजीनियरिंग एंड ऑल्सो प्रिपरेशन फॉर डिप्लोमा, AMU, जामिया, पूसा एंड अदर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। सेपरेट बैचेस फॉर गर्ल्स एंड बॉयज नियर अल हलाल हॉस्पिटल, करमगंज रोड, दरभंगा। कई सालों से सर्वश्रेष्ठ रिजल्ट हमने दिए इन द गाइडेंस ऑफ डायरेक्टर अम्मा यासिर सर। रजिस्ट्रेशन ओपन, अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8271-357145 पर। राहुल झा के परिजनों को जिंदाबाद पप्पू यादव को अगला रिहा करना होगा। अपराध मुक्त मिथिलांचल बनाना होगा। अपराधियों को स्पीडी ट्रेन चला के फांसी देनी होगी। जिंदाबाद। अपराधियों पे अंकुश लगाना होगा। बढ़ते अपराध के खिलाफ बिहार सरकार पे हल्ला बोल। नीतीश कुमार मुर्दाबाद। डबल इंजन की सरकार मुर्दाबाद। डबल इंजन की सरकार होश में आओ। देखिए, आज पुतला दहन बिहार में बढ़ते अपराध आए दिन आप देखते होइएगा। अभी दरभंगा मधुबनी मिलाकर 11 हत्या ये 2 से 3 दिन के अंदर हो गई है। यहाँ दरभंगा में केशव चौधरी, दरभंगा के मिर्जापुर में राहुल झा हत्याकांड में आरोपी गिरफ्तार, 3 आदमी हो गया है और उसमें डॉक्टर सिद्धार्थ का नाम आ रहा है। हम अविलंब SP से मिलकर जाँच की मांग किए थे, जो अभी तक उस जाँच में संलिप्त डॉक्टर के नाम जो है अभियुक्त नहीं बनाया गया है। क्यों नहीं बनाया गया? अभी आप मधुबनी के सिमरी जिला में एक देखे सोना व्यापारी को मार दिया गया है। अब बताइए ना, आपकी दरभंगा में मधुबनी में अभी 11 हत्या हो चुकी है 2 से 3 दिन के अंदर। चाहे राहुल का हत्या हो, केशव का हत्या हो या सिमरी में सोना व्यापारी का हत्या हो, अब बताइए दरभंगा में मधुबनी में जब ये हाल है 2 दिन में 11 हत्या, तो बिहार में कितना 2 से 3 दिन में हत्या हुई है? अब दो देख लीजिए, लगभग 30 से 40 हत्या बिहार में 2 से 3 दिन के अंदर हुई है। तो बिहार में अपराध बढ़ रहा है या घट रहा है? कहीं भी पूरे बिहार में अपराधियों को कहीं ना कहीं संरक्षण प्राप्त है पॉलिटिशियन का, जिला प्रशासन का। बिना जिला प्रशासन की मिली भगत से इतना बड़ा अपराध हो रहा है और अपराधी बच रहा है, आखिर कैसे? इसीलिए अभी हम जांच की मांग चाहते हैं। अभी राहुल हत्याकांड में और केशव चौधरी हत्याकांड में और सिमरी में जो सोना व्यापारी का हत्या हुआ, उसमें तीनों में जो भी अपराधी संलिप्त है उसको स्पीडी ट्रायल चला के फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बिहार अपराध बेलगाम हो चुका है। बिहार में सड़क पे चलना लोगों के लिए किसी दुर्घटना से कम नहीं है। आज देश औसतन बिहार में रोज 9 हत्या और 4 रेप की घटना हो रही है और सरकार घटना पे लगाम लगाने के लिए बिल्कुल विफल रही है। नीतीश कुमार का जो जुमला था कि बिहार में कानून का राज है, बिहार का जुमला अब नीतीश कुमार भूल से भी किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में या सार्वजनिक जगह नहीं बोल रहे हैं कि बिहार में अमन चैन है और कानून का राज है, क्योंकि नीतीश कुमार खुद जान रहे हैं कि बिहार में अपराध कितना बढ़ गया है और रोज लोगों की हत्या हो रही है। लोग तो अब डर रहे हैं कि हम सड़क पे निकलेंगे तो कब किसका हत्या हो। आप दरभंगा छोटा सा शहर है, देख लीजिए दरभंगा की स्थिति क्या है। आए दिन रोज घटना हो रही है, लेकिन सरकार इस पे कोई भी अंकुश नहीं लगा रहे हैं। सरकार सिर्फ खाना पूर्ति करते हैं, हर चौक चौराहे पे जहां भी देखिए पुलिस सिर्फ गाड़ी लगा के वसूली करने का काम करते हैं।